नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि फ्राइडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक बनता है यार, 600 लाइक डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली 600 लाइक बनता है। आज भी जो लेवल दिया था अच्छा खासा वर्क किया राइट, और कल भी मैं आपको निफ्टी में बोला था कि मेरे डेफिनेटली कल का वीडियो देख सकते हैं, 17,145 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, मैंने बोला था, आप देख सकते हैं वहां से कंटिन्यूसली अपन आया। और अगर आपने मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, जाइए अभी कभी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो लेवल देता हूं ना दोस्तों, मेरे स्टूडेंट लोग आप देख सकते हैं 46,000, 40,000, 22,000 बहुत अच्छा खासा लाइक अर्न करते हैं। इवन कल जो लेवल दिया था वो तो आप जानते हैं, 400 पॉइंट वर्क भी किया था राइट। और आज की अगर आप लेवल को देखें, आज आप देख सकते हैं मैं निफ्टी में मार्केट ओपन होने से पहले क्या बोला था, 17,144 के ऊपर बाय करके मैं आपको शेयर कर दिया था। उसके बाद आप जानते हैं निफ्टी ने क्या रैली दिया राइट, और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी आज दिया। और 10:49 पे बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल शेयर करता हूं, हर दिन फ्री में 90% एक्यूरेसी है, 36,706 के ऊपर बाय कर सकते हैं बोल के मैंने बोला, और मैंने क्लियरली दिखा था कि मोमेंटम बहुत स्लो होगा बोल के आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं लेवल तो ब्रेक किया, डेफिनेटली सस्टेन किया, लेकिन मोमेंटम आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो हुआ। अगर आप या इस प्लेस पे पुट को सेल करते बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, लेकिन कॉल को अगर आप बाय करते, मैं एग्री करता हूं, प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं मिलता। लेवल बहुत अच्छा वार किया, कल भी हमने 500 पॉइंट कमाया था दोस्तों, वीडियो को इसके लिए लाइक बनता है। चलिए देखते हैं कल हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट में आपसे लूंगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी में हमारा सिंपल सा व्यू रहना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, सही में बोल रहा हूं, बहुत कुछ आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ मिलेगा, आप बस जाइए एंड ज्वाइन करके देख लीजिए बस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में, अगर समझ लीजिए कल फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, 36,997 से लेकर 37,000 आप राउंड लेवल पकड़ सकते हैं। देखिए ये ब्रेक करने के बाद, 37,000 ब्रेक करने के बाद आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा 37,232 ब्रेक करने के बाद आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा 37,459। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, देखिए पहली बात कल समझ लीजिए, देखिए निफ्टी ने आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया राइट, बैंक निफ्टी ने मोमेंटम नहीं दिया था। अगर आप पिछले दिन जाके देखो, इस दिन की बात कर रहा हूं, 27 अगस्त निफ्टी ने मोमेंटम दिया था, नहीं दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ, कल मैंने लेवल देकर रखा था, 500 पॉइंट का मोमेंटम किया यहां से राइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगेन क्या हुआ, साइडवेज हो गया, आज भी आप देख सकते हैं अगेन साइडवेज हो गया और निफ्टी मोमेंटम किया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को मोमेंटम करना जरूरी है और डेफिनेटली करेगा ही। तो कल फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग होगा 37,000 के ऊपर आप ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 200, 300, 400, 500 जितना पॉइंट आप रख सकते हैं। क्यों मैं रीजन बता रहा हूं, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम किया और कहीं ना कहीं यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस क्रिएट किया राइट, और प्राइस अगेन नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो कल ऊपर ऐसे रिटेस्ट करके जब निकलेगा डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। सेल कब करना है, 34,665 के नीचे ही सेल करेंगे, डोंट वरी, सेलिंग का लेवल मैं दे दूंगा, लेकिन बाइंग के साइड दोस्तों हम कल देखेंगे, ठीक है। आपको क्लियर हो गया निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी में बहुत सिंपल सा हमारा व्यू रहना चाहिए, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। निफ्टी में अगर समझ लीजिए दोस्तों फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, 17,260 के ऊपर बाय कर सकते हैं, टारगेट में क्या बोलूं, सीधा 17,500 निफ्टी टच करेगा। अगर कल 17,260 ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं निफ्टी अगेन अच्छा खासा अपसाइड जाएगा, पहले तो 17,300 लाइक कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करेगा क्योंकि एक राउंड लेवल है, लेकिन अगर 17,260 ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहां से आपको क्या करना है, अगर समझ लीजिए फ्लैट है फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा रिटेस्ट के लिए वेट करना है, लाइक ब्रेक किया, इसके ऊपर ओपनिंग हुआ है, फिर ब्रेक करके छोटा सा रिटेस्ट के लिए वेट करना है, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा राइट। सेल कब करना है, देखिए सेल आपको 17,162 के नीचे करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली यहां से अपसाइड किया, यहां से एक डिप मारा फिर जाके यहां से ऊपर गया है राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। तो कल अगर समझ लीजिए निफ्टी गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ और ये जो ट्रेंड लाइन बना के रखा हूं, ये ट्रेंड लाइन क्या है, कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है राइट। तो ये जो ट्रेंड लाइन बना के दोस्तों रखा हूं ना, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ऐसे लोअर लो बनाता है, फिर आता है, छोटा सा आप सेल कर सकते हैं, लेकिन असली सेलिंग आपको 17,162 के नीचे देखने को मिलेगा। रीजन क्या है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अगेन मैं बता देता हूं, सारे ड्रॉइंग को रिमूव करते हैं, ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है राइट। तो कहीं ना कहीं ऊपर से आप देख सकते हैं, नीचे एक से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ
रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो ही जाके आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बाइंग का तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। दोस्तों आज का लेवल कैसा लगा बताइए, 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया, वीडियो को लाइक बनता है कि नहीं बोले, डेफिनेटली बनता है। अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मेरे एनालिसिस अगर पसंद करें तो डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, सी यू।